नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, जो आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को अंत तक देखें। नंबर वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। ऑप्शन है सेलेजिलिन, टोलकैपोन, मेटाजापिन, रोपिनायरोल। तो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होता है आपका रोपिनायरोल, ऑप्शन डी। ये सेलेजिलिन होता है मोबी इनहिबिटर, टोलकैपोन होता है सीओएमटी इनहिबिटर, और ये मेटाजापिन होता है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मेसना इज यूज्ड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हीमोराइजिक सिस्टिस फ्रॉम विच ड्रग्स। ऑप्शन है हिपेरिन, वारफरीन, बूसल्फान, साइक्लोफोस्फामाइड। तो मेसना यूज किया जाता है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हिमोराइजिक सिस्टिस फ्रॉम साइक्लोफोस्फामाइड, ऑप्शन डी। ये साइक्लोफोस्फामाइड होता है एंटी न्यूरोप्लास्टिक ड्रग और ये अल्कलाइटिंग एजेंट होता है, और इसे हम कहते हैं सोडियम टू मरकैप्टोइथेन सल्फोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, All these anti-hypertensive drugs are safe in pregnancy, except इनमें से कौन सा ड्रग्स प्रेगनेंसी के दौरान सेफ नहीं है। ऑप्शन है लेबिटालोल, रेमिप्रिल, निफेडिपिन, मिथाइलडोपा। तो रेमिप्रिल प्रेगनेंसी के टाइम में सेफ नहीं है। रेमिप्रिल होता है एस इनहिबिटर और ये टेराटोजेनिक ड्रग्स है, ये फीटस के डेवलपिंग को डैमेज करता है। नेक्स्ट बाद बाकी ये लेबिटालोल, निफेडिपिन, मिथाइलडोपा एंड हाइड्रालाजीन, ये चारों एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स प्रेगनेंसी के दौरान सेफ माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज ड्रग्स कैन कॉज अ ब्लैक टंग। ऑप्शंस हैं कार्बोसिस्टीन, बिस्मथ सबगैलेट, सेना, लोपेरामाइड। तो बिस्मथ सबगैलेट कॉज करता है ब्लैक टंग और इसका यूज किया जाता है टू डिओड्राइज एस्टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ड्रग एडमिनिस्टर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक इज। ऑप्शन है डिजॉक्सिन, डिजिटालिस, डोपामाइन, फिनाइल एफ्रीन। तो कार्डियोजेनिक शॉक के लिए यूज किया जाता है डोपामाइन का, ऑप्शन सी। ये डोपामाइन होता है डोपामिनर्जिक D1 एंड D2 एगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रोजेस्टेरोन इज डिराइव्ड मेनली फ्रॉम। ऑप्शंस हैं एस्ट्रोन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्पस ल्यूटियम, कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। तो प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये डिराइव्ड होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्लोरप्रोपामाइड इंक्रीजेस। ऑप्शंस हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, इंसुलिन सिक्रेशन, थायरोक्सिन फॉर्मेशन। तो क्लोरप्रोपामाइड इंक्रीज करता है इंसुलिन सिक्रेशन को, ऑप्शन सी। ये क्लोरप्रोपामाइड है फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया, फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इज द ब्लॉकेड ऑफ। ऑप्शन है पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल, सोडियम चैनल, न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन। तो लोकल एनेस्थेटिक ब्लॉक करता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोनिडीन इज। ऑप्शन है इम्पोटेंस, ड्राई माउथ, कंजेसिव हार्ट फेल्योर, एलर्जिक रिएक्शन। तो क्लोनिडीन कॉज करता है ड्राई माउथ, ऑप्शन बी। ये क्लोनिडीन है अल्फा 2 एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट, अल्फा 2 एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट होता है क्लोनिडीन, जो ड्राई माउथ कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनेस्थेसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय केटामाइन। ऑप्शंस हैं जनरल, लोकल, डिसोसिएटिव, टॉपिकल। तो जनरल एनेस्थेटिक जो केटामाइन है, वो कौन से टाइप का एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करता है? तो ये है डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करता है केटामाइन, ऑप्शन सी। इसको इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर्ड किया जाता है और ये रैपिड एक्टिंग जनरल एनेस्थेटिक है,
इसके साथ ही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंफर्म बाय डायग्नोसिस डीएनए डायग्नोसिस टेस्ट। ऑप्शंस है हाइपर यूरिसेमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक्यूट पैनक्रियाटिटिस, हाइपरलिपिडेमिया। तो डीएनए डायग्नोसिस टेस्ट से कंफर्म किया जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस को। सिस्टिक फाइब्रोसिस को कंफर्म करने के लिए स्वेट टेस्ट भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंटी लेप्रोटिक एक्शन ऑफ डैप्सोन इज मेनली ड्यू टू मेनली इफेक्ट ऑन। ऑप्शंस हैं इनहिबिशन ऑफ फोलेट सिंथेसिस, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फैगोसाइटोसिस, डीएनए सिंथेसिस। तो डैप्सोन जिसे हम कहते हैं डाई अमीनो डाई फिनाइल सल्फोन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनहिबिशन ऑफ फोलेट सिंथेसिस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पोलिन्स इज ड्यू टू इफेक्ट ऑन। ऑप्शंस हैं प्रोटीन सिंथेसिस, सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस, सेल वॉल सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस। तो एंटी फंगल्स ड्रग्स के पोलिन्स एंटीबायोटिक क्लास में आते हैं एम्फोटेरेसिन बी, मिस्टैटिन, हेमाइसिन, कैंडीसिडिन, और ये इनहिबिट करता है सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस को, ऑप्शन बी। ये एर्गोस्टेरोल डिपेंडेंट सेल मेम्ब्रेन में ब्रेक कॉज करता है। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स और माइक्रोलाइड्स मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स। तो पोलिन्स का हमने देखा, पोलिन्स एंटीबायोटिक का एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है ड्यू टू सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट आर हेलोथेन, टू ट्यूबोक्यूरारिन, मेफेनेसिन, सक्सिनाइल कोलिन। तो मेफेनेसिन कंजेनर्स लाइक मेफेनेसिन, क्लोरजोक्साजोन, ये होते हैं सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। इसके साथ ही गाबा डेरिवेटिव बैक्लोफेन भी होता है आपका सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिपेरिन एंड वारफरीन। हिपेरिन क्या है? हिपेरिन होता है आपका पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट ड्रग और वारफरीन होता है ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग। इसके ऑप्शंस हैं आईवी ओरल, एससी आईएम, ओरल आईवी, नॉन ऑफ दीज। तो हिपेरिन हो जाएगा आपका इंट्रावेनस रूट के थ्रू और वारफरीन हो जाएगा ओरल रूट के थ्रू। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। और आप सभी को पता होगा हिपेरिन का एंटागोनिस्ट होता है प्रोटीन प्रोटामाइन सल्फेट। हिपेरिन का एंटागोनिस्ट होता है प्रोटामाइन सल्फेट और ये ऑब्टेंड किया जाता है शीप्स लंग से। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फार्मेसी नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।